आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर को मन से मान लिया है पति। बोली, फर्जी कार्ड छपने बंद हो, असली शादी भी हो जाएगी। वेल, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आलिया सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बॉयफ्रेंड की फोटो शेयर करती हैं, उनके लिए स्पेशल पोस्ट लिखती हैं। ऐसे में फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि दोनों शादी कर ले। यही नहीं, इंटरनेट पर दोनों की शादी का एक कार्ड भी वायरल हुआ था। अब फाइनली आलिया ने शादी और उससे रिलेटेड अफवाहों पर रिएक्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपना ड्रीम बॉय सिलेक्ट कर चुकी हैं, लेकिन जो फेक शादी के कार्ड छपते हैं वो बंद हो जाए। एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट से पूछा गया कि पिछले साल रणबीर कपूर ने कहा था कि अगर कोरोना नहीं होता तो आप दोनों की शादी हो गई होती, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं और हम इस साल ये शादी देखेंगे? इसके जवाब में आलिया ने इंटरव्यू में कहा, मैं इस बात से असहमत नहीं हूँ, मैं सपनों के शहजादे से मिल चुकी हूँ, तो जब शादी होगी सही टाइम पर होगी, बस ये शादी के फेक कार्ड छपना बंद हो जाए तो शायद हम सही जानकारी दे पाए। लेकिन जैसे सभी अच्छी और खास चीजों में वक्त लगता है, ये भी सही वक्त पर होगा। वही फिल्म कंपेनियन से बातचीत के दौरान आलिया ने कहा कि उनकी शादी को लेकर इतनी अफवाह ऑलरेडी फैल चुकी है कि जब वो एक्चुअली शादी करेंगी तब लोगों को लगेगा कि ये महज एक अफवाह है, जो कि उनके लिए अच्छा है क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा। इसके अलावा एक और इंटरव्यू में आलिया ने शादी को लेकर ये भी कहा कि वो पहले ही अपने मन में रणबीर से शादी कर चुकी हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पेंडेमिक ने दोनों की शादी के प्लान पर पानी फेर दिया है। वेल, हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों इसी साल अप्रैल में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही दोनों की फैमिलीज में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्टेडली रणबीर और आलिया राजस्थान के रणथंबोर में शादी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों की फेवरेट जगहों में से एक है। वेल, आलिया तो अपने दिमाग में रणबीर से पहले ही शादी कर चुकी हैं, लेकिन ये भी बता दिया है कि शादी को टाइम है, वो सही समय का वेट कर रही हैं। वेल, दोनों की जोड़ी आपको पसंद है या नहीं, पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।